महबूबा के प्यार में घनसू पाइप पे चढ़ जाता था बनके बंदर, लेकिन अफसोस जिस दिन महबूबा छोड़ गई घनसू बन गया प्लम्बर। दे नंबर दे। हाँ हाँ मैं आपको नंबर मैसेज कर देता हूँ। अच्छा डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के पीछे नानी है। साबुन नहीं शैम्पू नहीं, अपने पास तो सिर्फ पानी है। ये क्या था? दुकान की हालत देखकर मैंने शायरी बनाई। बावरे। ये मैसेज आ गया, मैसेज आ गया, मैसेज आ गया। आ गया नंबर, आ गया। आप चिंता मत करिए, हम एसी फिटिंग करेंगे, एसी फिटिंग करेंगे कि इस दल में से ना पानी नहीं निकलेगा। अरे मतलब लीक नहीं करेगा। रिंग बज रही है? नहीं कव्वाली बज रही है। कव्वाली? उसने अपने कॉलर ट्यून में कव्वाली रखी है। अरे ये फोन नहीं उठा रहा, ये भी गांव गया है क्या? बाप रे। क्या है ना, हमारा फोन बहुत बजता है, हम बहुत फेमस शायर है ना। फिर के फोन बज, एक आदमी फोन नहीं उठा रही है तो क्यों घंटी में घंटी बजा रही है? आ, कौन घनसू घायल बोल रहा है? कौन बोल रहा है? किसका हमसे मिलने के लिए मन डोल रही है? मेरा नाम जेठालाल गड़ा है। देखिए मेरी दुकान की छत में से लीकेज चालू हो गया, तो मैं यही नंबर पर भी मेरी दुकान का एड्रेस भेजता हूँ, आप फटाफट आ जाइए। मियाँ हम किसी के बाप की नहीं खाते हैं, जहाँ मन होता है वहीं जाते हैं। अरे भाई शायरी बात में कर लेना, अभी यहाँ दुकान की हालत खराब हो रही है, अब जल्दी आ जाओ भाई फटाफट। अरे आ जाओ की रज लगा रही है, अरे दिमाग क्यों खा रही है? अरे भैया हम दूसरे के काम में बिजी है, ऐसे कैसे आ जाए, आप किसी और को बुला लो। बोल रहा है मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकता। हेलो घनसू भाई, अर्ज किया है, हम आपके काम के कायल हैं, हम आपके काम के कायल हैं, और जो हमारी समस्या सुलझा सके वो सिर्फ घनसू घायल है। तो शायर निकले, कसम से मजा आ गया। कहाँ से मिला आपको हमारा नंबर? वो गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर ऑल इन वन दुकान के मालिक है ना अब्दुल भाई, उन्होंने दिया आपका नंबर। अरे अब्दुल भाई तो अपने लगते जिगर, नूर नजर, भाई और ब्रदर, ब्रेड और बटर, अरे सब कुछ है, वो तो अपने ऑल इन वन है। भाई जल्दी आइए, क्या है कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान है, पर ऐसे ही पानी टपकता रहा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा भाई। आप आपकी चिंताओं की बेड़ियों को तोड़ दो, आपकी परेशानी को कहीं और मोड़ दो, और आपका पता हमारे फोन पे छोड़ दो, हम एक काम को सटासट निपटा के फटाफट आपके पास आ रहे हैं। अभी भेजता हूँ पता, अभी भेजता हूँ, ठीक है? आइए आइए आइए। भेज दिया पता, अभी प्लम्बर आ जाएगा तो पता चल जाएगा ये लीकेज कहाँ से हो रहा है। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, ये प्लम्बर आए तब तक है, ऊपर जितना सामान है ना वो हम लोग गोडाउन में रख देते हैं। सेठ जी दो मजदूर बुला लेता हूँ, फटाफट काम हो जाएगा। हाँ बुला लो जल्दी। बावरी जी अब आप घर जाइए। क्यों भाई क्या नड़ रही है तुझे वो? नहीं सेठ जी, वो आप हमेशा कहते हैं ना कि काम के टाइम पे दुकान में बावरी नहीं चाहिए, इसलिए। बराबर है लेकिन अभी परिस्थिति अलग है भाई, अभी यहाँ रहेगी तो कुछ काम आएगी, एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार। तुझे जाना है? नहीं नहीं जो। मुझे तो जितना ज्यादा वक्त बागेश्वर जी के साथ रहने को मिले उतना अच्छा है ना। थैंक यू बेटा सेठ। अरे हर बार तुझे मेरा नाम बोलना क्यों होता है भाई, खाली सेठ जी बोलना भाई चलेगा? सेठ जी, सेठ जी, ये दोनों मजदूर आ गए हैं, ये है राम सिंह, ये है फुलवा सिंह। चलो 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 जल्दी फटाफट भागा, पता पता उनको कहां से क्या उतारना। चलो इधर आओ, इधर आओ, चलो संभाल के आओ, पानी है ना टुका वाला रेंट का। आओ बागेश्वर जी,
इसमें कहाँ से लीकेज हो रहा होगा? हाँ बावरी जी, अभी थोड़े दिनों पहले ही बिल्डिंग के रिपेयरिंग का काम हुआ है, मुझे लगता है लीकेज अंदर से ही कहीं से हो रहा होगा। शिव जी, ये प्लास्टिक आ गया। आ गया, हाँ चल 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 भाई चल। थैंक यू बाय। अरे बावरे, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसे। नहीं नहीं मैं कह रहा था थैंक यू। अरे थैंक यू, आपने मुझे यार रखने दिया। ओके बाय 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 भागी चल। हाँ गुप्ता जी बोलिए। हाँ जेठा जी, आपने रैमसन कंपनी को 15 लाख रुपए का चेक दिया है क्या? हाँ दिया है दिया है। आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो एक काम कीजिए, अपने वो ओवरड्राफ्ट लिमिट है ना, उसमें से पास करवा दीजिए ना, मैं बाद में पैसे भरवा दूंगा। हाँ हाँ बराबर है, लेकिन आपके ओवरड्राफ्ट की लिमिट 10 लाख रुपए, आपके अकाउंट में 3.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। ओहो एक मिनट, अरे नटू काका कल का कैश अपना आज बैंक पर जमा नहीं किया? कैसे करवाऊं सेठ जी, सवेरे दुकान में आया तब से लीकेज की महामारी में फंस गया हूँ। गुप्ता जी मैं अभी कैश भरवा देता हूँ, आप जरा चेक पास करा दीजिए ना, क्योंकि ये चेक पास नहीं होगा तो कंपनी माल अटका देगी, ये सीजन में लफड़ा हो जाएगा। ठीक है मैं 1 घंटा इंतजार कर लेता हूँ, कैश जमा होते ही मैं चेक पास करवा दूंगा। नहीं नहीं मैं अभी कैश भरवा देता हूँ। थैंक यू टटू काका, कल के जितने भी कैसे फटाफट अभी कभी जाके बैंक में जमा करके आइए। जी ओ माय गॉश, क्या हुआ नटू काका? ये देखिए, ये भगवान, मुसीबत आती है तो एक साथ आती है। लीकेज का पानी ड्रॉर में घुस गया और सारी नोटें गीली हो गई। मायूस मत होइए सेठ जी, सकारात्मक सोचिए। अब इसमें सकारात्मक क्या सोचे बागा? यही कि मैल धुल गया। सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि पैसे तो हाथ का मैल है, तो बस मैल धुल गया। मैल धुल गया बड़ी, अगर वो चेक पास नहीं हुआ ना तो मैं धंधे से हाथ धो बैठना पड़ेगा। अब क्या करें सेठ जी? अरे क्या करें क्या, ये सारी नोटें गोडाउन में जाके अभी के अभी सुखानी पड़ेगी। 1 घंटे के अंदर बैंक में पैसे जमा नहीं किए तो रामसंग कंपनी का चेक बाउंस हो जाएगा। आप मगन को गोडाउन से यहाँ बुला लीजिए और फिर आप भी आ जाइए गोडाउन में। चल भाई चल चल चल। इतनी सारी छोटी छोटी नोटे कब सूखेगी? नटू काका सब छोटी छोटी नोटे बड़ी नोटे में बदली कर देनी चाहिए थी ना। सेठ जी किसको पता था कि दुकान में लीकेज का प्रॉब्लम होने वाला है। सेठ जी अच्छा है बड़ी नोट कम है। क्यों, इसमें अच्छा क्या है? आजकल क्या पता बड़ी नोट कब बंद हो जाए। अरे हाँ, एक तो दिवाली सर पे है और भगवान भी टाइम देख के मुसीबत भेजते हैं आप। नटू काका क्या हुआ? क्या हुआ बागा? सेठ जी नटू काका रो रहे हैं। क्या हुआ नटू काका? सेठ जी ये तो खुशी के आंसू है। अरे यहाँ इतनी सारी नोटें गीली हो गई है, इसमें आपको खुशी क्या हो रही है? जो हाथ कभी छत पर पापड़ सुखाते थे आज वही हाथ लाखों की नोट सुखा रहे हैं। व्हाट एन अचीवमेंट। बागा पैसे सुखाते हुए मेरी एक फोटो ले ना। ओके नटू काका। अरे क्या ओके? नो ओके। अरे रख दो वही फोटो, नहीं खींचनी हमें। अरे ये फोटो कहीं वायरल हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है, कोई चोर उचक्के आ सकता है चोरी करने के लिए। बागा सेठ जी एज ए पॉइंट रहने दे। रहने दे? अरे मैंने कब कहा कि मुझे आपकी ऐसी फोटो खींचनी है। बिल्ली की आवाज कहाँ से आ रही है? ये बिल्ली कहाँ से आ गई गोडाउन में? टेंशन मत लीजिए सेठ जी, बिल्ली तो रोज आती है। अरे रोज आती है तो आने क्यों देते हैं उसे? हमारे भले के लिए। अभी इसमें हमारा भला क्या है भला? सेठ जी
इस बिल्ली की वजह से ही तो चूहे हमारे गोडाउन में नहीं आते। ना सोचिए, अगर चूहे हमारे गोडाउन में आ जाते तो बॉक्स कुतर खाते, वायर कुतर खाते, हमारा कितना नुकसान होता। ठीक है, लेकिन अभी तो बिल्ली को यहाँ से भगाओ, वरना दो चार बड़े नोट के ऊपर नाखून मार दिए तो बिल्ली की वजह से हमारा नुकसान हो जाएगा भाई। जी जी चाचा, इसको बाहर निकाल भाई जल्दी। छोड़ दिया सेठ जी, बाहर छोड़ दिया, गई। अच्छा, अभी ये पैसे ऐसे तो कब सूखेंगे भाई? और किमिया आजमाना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे सूखेंगे उसके बाद ही हम बैंक में भर पाएंगे। क्या करें, एक काम करते हैं। सूख गई नोटे? हो गया, हो गया सेठ जी। बस सेठ जी, हाँ हो गया, हो गया, हो गया। चलो चलो, ये लो ये लो, जाओ जाओ जल्दी बैंक में जाओ और जमा करके संभाल के गिन के जरा। हाँ जी, स्लिप बराबर भरना, कितने रुपए है, कोई गड़बड़ ना हो। जाइए जाइए जाइए, करिए नटू का कब, जल्दी जाइए। हाँ बोल मगन। क्या? नहीं, हम लोग अभी दुकान आ रहे हैं। क्या हुआ सेठ जी? मगन बहुत घबराया हुआ है, कह रहा है दुकान में कोई सर पीला घुस गया है। ये क्या हो रहा है आज, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। चल, क्या हुआ मगन? संभाल लो इसको, टोके जी वाट लौंड तक ले। पर तो कहाँ जा रहा है? गोडाउन। कौन है भाई, क्या चाहिए आपको? आई तो घुसाल में, आई तो घुसाल, घुस ले, घुसा लिया। सलिया? नहीं नहीं भाई, हम लोग सलिया वगैरह कुछ नहीं बेचते, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है भाई। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसा कुछ आपको चाहिए तो मिल जाएगा। सलिया? सेठ जी, ये तो सलिया घुसाने की बात कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो गौसलिया, गौसलिया को मिलना है। इधर कोई गौसलिया नहीं है भाई, मैं गड़ा हूँ, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। घुसलिया, गुसल खाने में से निकला, पाक जमा लिया। इंसाफ मोहब्बत, इंसान हसीना, उजान हसीना, वो नहीं सकती मैं खाने में, क्योंकि होती नहीं है बोतल तेरे जाने से। अभी ये सलिये से बोतल पे आ गया। देखो भाई, हम लोग यहाँ सलिया बोतल कुछ नहीं बेचते। मैंने बोला ना, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसा कुछ चाहिए तो मिल जाएगा आपको। इल्जाम तो ही गवारा नहीं, महजबी इजाजत नहीं लेते हम अलविदा कहने से पहले, समझे? एक मिनट भाई, कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? आपको हिंदी आती है, है? तो उसमें बोलो भाई, तो हमारी समझ में आएगा कि आप यहाँ क्यों आए, आपको क्या चाहिए। आइए, हम ये कुछ नहीं चाहिए मियां। तो यहाँ क्यों आए हो? खुद हमें यहाँ बुला रही है और पूछ रही है कि क्या चाह रही है। हमारी अदाकारी का जमाना है कायल, नाम है हमारा घंसू घायल। घंसू घायल? ये तो प्लम्बर है, घंसू घायल। हाँ समझ गया। अरे भाई, तो सीधा सीधा बोलो ना, क्या प्लम्बर घंसू घायल हो भाई? उठ पटक, क्या सलिया ना बोतल ना सब बोल रहे हो भाई? चलो चलो जल्दी काम चालू करो। चलो न जुआ कर रही है, न सलाम कर रही है, न खैर पूछ रही है, न खैरियत पूछ रही है, दलालत का कैसा नमूना पेश कर रही है। नहीं नहीं भाई, कुछ पेश मत करो, अभी खाली लीकेज का ठीक करो भाई, चलो। अरे मैं तो ये कह रही था कि अपना मशरूफ काम छोड़कर आपके गरीब खाने पे आया है घनसू घायल, जरा अदब से आदाब तो करो। आदाब? सेठ जी, ये मैं समझ गया, आपको आदाब करने को बोल रहा है। आदाब, आदाब भाई, आदाब। चलो, आदाब किया जी खला। अरे भाई, किया तो सही, आदाब कितनी बार आदाब करेंगे, अभी काम चालू करो ना भाई। अरे आदाब मियां जेठालाल, जब तक आप हमारा नाम लेके हमें आदाब नहीं कहोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमें आदाब कर रही हो कि किसी और को आदाब कर रही हो। बहुत मोटी नोट छे, सच्ची बात छे। सेठ जी, नाम के साथ आदाब कर दीजिए ना। आदाब घनसोली भाई, आदाब। घनसोली नहीं सेठ जी, घनसोली तो नवी मुंबई के पास एक एरिया है, उसका नाम है। इसका नाम तो घनसू है, घनसू घायल। सॉरी सॉरी भाई, आदाब घनसू भाई घायल। आदाब मियां जेठाला। बस चलो, अभी ये काम करो भाई, प्लीज चलो। आगाज होगा, इजहार होगा, पानी शिगाफ का क्या होगा?
तुम्हारे हले मुकाम होगा और क्या होगा। मतलब मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आपकी दुकान के लीकेज का प्रॉब्लम हम सोल्व कर देंगे, बस कहिए आगाज हो। आगाज हो घास नहीं सेठ जी, वो बोल रहा है आघास हो। आपा उसका मतलब क्या? मुझे भी नहीं पता है, वो बोल रहा है तो बोल दो ना, काम शुरू हो। आघास हो आघास हो, चल चल तू घोड़ा लेके फटाफट चल जी। यहाँ एक फेर अर्थ है, टप टपा के टपक रही है छत से बूंदे, क्यों पता लगा लेगा घंटू घायल। वाह वाह वाह, चलो चलो काम कर। विनिकास की मालूमात हो चुकी है। संभालो संभालो, क्या 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 हो चुकी है? अरे मतलब पानी कहाँ से टपक रहा है ये पता चल चुका है। अरे इसमें क्या पता लगाना, वो तो दिख ही रहा है ना भाई, छत से पानी टपक रहा है। अरे मतलब लीकेज की दर है ये पता चल चुका है। अच्छा हाँ, तो चलो उसको ठीक करो भाई, चलो। अरे कैसे ठीक कर दे, लीकेज आपकी दुकान में हो ही नहीं रही है, लीकेज तो ऊपर वाले के घर में हो रही है। उनके फ्लोरिंग में मसलाते संजीदगी है। क्या है? अरे मतलब ये कि उनके घर की फ्लोरिंग के नीचे से एक पाइप जा रहा है जो लीक हो गया है, और उसका पानी आपकी दुकान में टप 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 टपक रहा है। तो अब? अरे आप तो ऊपर जाने का टाइम आ गया। ओ कंसु भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप, जबान संभल के बात कीजिए, मेरी अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, कहाँ मुझे ऊपर भेजने की बात कर रहे हैं। अरे मैं वो ऊपर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की बात कर रही हूँ। ऊपर वाले फ्लैट में जाएंगे तो पता चलेगा कि लीकेज किधर से हो रही है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात है। क्यों? मैं यह बिल्डिंग में किसी को जानता नहीं हूँ भाई। मतलब आप अपनी बिल्डिंग में किसी से वाकिफ ही नहीं है? अरे मतलब किसी को जानते ही नहीं है? मैंने पर हम यहाँ रहते नहीं है ना भाई, हमारी खाली दुकान है यहाँ पे। सुबह जब भी हम लोग दुकान खोलते हैं उसके पहले जो बिल्डिंग वाले वो काम पे चले जाते हैं, और रात को जब भी वो काम से लौटते हैं उसके पहले हम दुकान बंद करके चले जाते हैं। तो कभी किसी से मिलने का ऐसा कुछ मौका ही नहीं मिलता है। तो मियां मैं कौन सा आपसे उनसे रिश्तेदारी निभाने को कह रही हूँ, जो ऊपर रहता है उससे मिलना तो पड़ेगा, बातचीत तो करनी पड़ेगी। हाँ नहीं वो तो है, ठीक है एक मिनट। हाँ मगर तो गोडाउन बंद करके दुकान में आ जा। हाँ तो चलो। एक मिनट उसको आने दो भाई, उसके बाद ही निकल सकेंगे ना, दुकान ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते ना। अरे तो तब तक एक शेर सुनो। उनके आने से हमारे जाने का वक्त हो जाता है, घोड़े को जितनी भी घास खिलाओ वो खा जाता है। एक और सुनिए। दिल जले आशिक की आंखों से पानी टपकता है, बड़ी गाड़ी लेके निकलो तो कुत्ता लपकता। एक और सुनो। एक मिनट भाई एक मिनट, बीच बीच में थोड़ा सांस भी लिया करो भाई, शांति रखो थोड़ा, दो मिनट। मगर कहाँ तू, आ ना भाई इधर जल्दी। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आप गंचू के लेके बाहर निकलो, बाद में ही मैं अंदर आऊंगा। तुमने आप हमारा सामान उठा लीजिए। हाँ मगर ले ले, चल चल चल, आजा आजा चल। अरे हाँ गंचू भाई इधर इधर इस तरफ। एक मिनट सिंह जी एक मिनट, हमारी दुकान के ऊपर फ्लैट कौन सा है वो तो देख ले। हाँ। ये 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 सेठ जी, ये फ्लैट नंबर 102 होगा। हाँ, चल, 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 आई, आई। आपकी दुकान की बिल्डिंग को सामने से देखकर लगा ही नहीं कि पीछे इतनी बड़ी बिल्डिंग छुपी हुई है। हाँ है, चल। इस बिल्डिंग पर एक शेर अर्ज है। नहीं भाई नहीं, अभी शेर मत बोलो भाई प्लीज। क्यों? अरे भाई मेरी दुकान भीगी बिल्ली बनी हुई है, ऐसे टाइम पे आपको शेर याद आ रहा है? शेर रहने दो, ऐसे ही चलो। हाँ ऐसे चलो ना भाई, चलो। मिस्टर अय्यर। हाँ। सेठ जी, अय्यर भाई का और एक फ्लैट है और हमारी दुकान के ऊपर ही है, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। अरे भाई दुनिया में वो एक ही अय्यर भाई थोड़ी है भाई, और भी गम है जमाने में, मतलब
और भी अय्यर भाई है ना दुनिया में भाई, ये जो है जिनका फ्लैट है उनका नाम अय्यर है। अच्छा, अरे मियाँ अय्यर हो या टय्यर, भाई अभी कोई सारी नहीं है, थोड़ी देर शांत हो जाओ प्लीज। ए भाई तू खड़ा के बेल बजा भाई, चल। जी सीट जी, बेल कैसे बजाऊं, दरवाजे पर तो ताला है। अरे बाप रे, तो अभी लीकेज का काम कैसे करेंगे? क्यों यात्रा में मौके पर कसीद की कसरिया है, बजा दे पड़ोसी की घंटी, क्यों परेशानी में फंस रिया है? सेठ जी ये कह रहे हैं कि पड़ोसी से पूछते हैं। वो तो उतना समझ में है, पड़ोसी की बजा दे बेल, बजा बजा बेल बजा इधर ये। ए सेठ जी, हाँ यहाँ तो लिखा है कि ये लोग 15 दिन के लिए बारगांव गए हैं। अरे यहाँ भी ताला लगा है, शायद इनको पता होगा, इनको पूछते हैं। अरे मियाँ फिर से बेल मारो, क्या पता आदमी ऊंचा सुनता हो। अरे मियाँ जोर से मारो ना। जोर से कैसे बजाओ, इसका वॉल्यूम मेरे हाथ में थोड़ी है भाई, खाली सीची है ना। तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। अरे बापरे, अभी तुम लोग अनपढ़ हो, इतना बड़ा नोटिस में लिखा है दिखता नहीं, डोंट रिंग द बेल बिटवीन 11 AM टू 1 PM, दिस मे कॉज डिस्टर्बेंस इन आवर मेडिटेशन। सेठ जी यहाँ तो लिखा है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बेल बजाना मना है। क्यों? उस वक्त ये भाई साहब ध्यान में बैठे होते हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, वो आपके नोटिस पे हमारा ध्यान नहीं गया, सॉरी। ओके, अभी मालूम पड़ गया ना, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। दो मिनट, ये आपके जो पड़ोसी है अय्यर भाई, उनके घर पे ताला है, तो आपको पता है वो कहाँ गए? केरला। केरला केरला, भारत के एकदम दक्षिण छेड़े पे वो केरला। हाँ केरला गए। केरला क्यों गए? क्यों क्या, घूमने गया, मैंने उसको भेजा है, उसने केरला देखा नहीं था, मैंने उसको बोला केरला नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इससे गॉड्स ऑन कंट्री, स्वर्ग है स्वर्ग। अच्छा केरला इतना बेहतरीन है, हमें तो पता ही नहीं था। तुमने नहीं देखा? नहीं हमने नहीं देखा। जाओ घूम के आओ, बैक वाटर वर्ल्ड फेमस है। अच्छा, अरे थम्पी भाई अभी बैक वाटर छोड़िए, हम लोग टॉप वाटर से बहुत परेशान है। क्या टॉप वाटर? मैं समझाता हूँ, देखिए क्या अय्यर भाई के फ्लैट के नीचे मेरी दुकान है, गड़े इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक की वो दुकान है, उसमें सब टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन वो सब सामान है। अभी अय्यर भाई के फ्लैट से जोरदार लीकेज मेरी दुकान में हो रहा है, अभी दिवाली सर पे लीकेज बंद नहीं किया तो सारा माल को बहुत नुकसान हो जाएगा। गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो तुम्हारा है? जी जी जी, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जब मैं आया तो तुम दुकान में तो थे नहीं। अच्छा कभी कभी आए थे आप? 3 साल पहले मैं रेडियो खरीदने के लिए आया था, एक ओल्ड अंकल ने मुझे बेचा था। वो नटू काका मेरे अंकल है। तुम्हारा अंकल फ्रॉड है, वो बोला 5 साल रेडियो चलेगा, मेरे तो 2 साल में खराब हो गया। आने वो देखे, वो विदेशी कंपनी का जो रेडियो होता है ना, उसका वैसे खाली 1 साल की गारंटी होती है, आपका तो 2 साल चल गया, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को 5 साल क्यों बोला? नहीं कोई कोई ऐसा 5 साल भी चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा 2 साल क्यों चला? कितने में लिया था रेडियो आपने? 100 रुपए का। 100 रुपए में रेडियो खरीदने निकला था कि रॉकेट खरीदने निकला था? अरे 100 रुपए का रेडियो के आपने पोते को गिफ्ट करके जाएगा तू? अंदर वर्णे क्या बोला? एक मिनट, अरे भाई तुम शांति रखो ना, झंपू भाई। झंपू नहीं मियां, घनसू। घनसू भाई शांति रखो, देखिए थप्पी भाई मैं बताता हूँ। थप्पी नहीं, तंबी। एक मिनट, घनसू थम्पी बाघा, सॉरी क्या बोल रहा था। हाँ आपने रेडियो कितने में लिया? 100 रुपए में लिया था। 100 रुपया ना, ओके तो ये लो, ये 200 रुपया रखो आप, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, मुझे 200 नहीं चाहिए, आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, मैं सिर्फ 100 रुपए लेगा। ओह कितने अच्छे आदमी है। तो थम्पी भाई थोड़ी हमारी मदद कर दीजिए ना प्लीज। क्या मदद करूँ? क्या है कि ये अय्यर भाई तो आपके पड़ोसी है, तो उनके फ्लैट की एक एक्स्ट्रा चाबी तो आपके पास वो छोड़ के ही जाते होंगे, तो क्या वो चाबी आप हमको दे दो? ये भाई साहब प्लम्बर है।
दानशु तो क्या हम फ्लैट खोल के फटाफट जहाँ से लीकेज हो रहा है ना सब रिपेयरिंग करके एक घंटे में आपको चाबी वापस दे देंगे। हाँ। क्या है आयर ने अपने घर के चाबी ना मेरे पास नहीं छोड़ता है, मेरा भी ट्रैवलिंग बहुत रहता है, कभी उसका एक्स्ट्रा चाबी का जरूरत पड़ा जब मैं नहीं रहा तो उसका प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए वो चाबी मेरे पास नहीं छोड़ता है। अरे बाप रे, तो अभी लेकिन वो आयर का चाबी ना सेक्रेटरी के पास रहता है। सेक्रेटरी के पास? हाँ सेक्रेटरी के पास। अरे सेक्रेटरी तो रमेश भाई है ना? हाँ, कौन से जमाने का बात कर रहा है? सॉरी सॉरी, वो रमेश भाई के बाद तो सुरेश भाई आए ना? वो भी गया। तो फिर अभी सेक्रेटरी है कौन? अब जो भी है वो मिलने जैसे आदमी नहीं है। नहीं नहीं, मिलना तो पड़ेगा भाई, मेरी पूरी दुकान भीग रही है। तुम उसको मिलने जाएगा? तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है? क्यों? वो क्या है, तुम उसका मिलने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, खर्चा पड़ेगा, इसलिए मैं पूछा इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया। नहीं नहीं, अरे भाई डरा क्यों रहे हो, कौन है सेक्रेटरी? सेक्रेटरी नंबर ही है। नंबर ही मतलब? उसको मिलोगे तो समझ जाओगे। सेकेंड फ्लोर 201 फ्लैट नंबर। जाओ जाओ, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। चलो भाई चलो। अरे नहीं यार, नहीं। अरे क्या नहीं, क्या हम ऐसे आदमी के पास नहीं जाएंगे जो दिमाग खराब कर देता है। हमारा दिमाग खराब हो गया तो हम शायरी कैसे बनाएंगे? आज शाम में हमारा मुशायरा है, हम जा रहे हैं। अरे तो मुशायरा तो शाम को है ना? मुशायरे में तुम कभी प्लम्बिंग की बात करते हो? नहीं ना, तो अभी तुम प्लम्बर हो, इधर अभी मुशायरे की बात नहीं करने की भाई। धंधा और शौक दोनों को अलग रखने का, कभी मिक्स नहीं करने का। धंधे के टाइम पे धंधा करने का और शौक के टाइम पे शौक करने का, ठीक है? चलो मियां, हम शायर पहले और प्लम्बर बाद में। अरे तुम शायर हो ही नहीं भाई, जरा समझो। अगर तुम्हारी शायरी में दम होता तो तुमको साइड में प्लम्बिंग का काम करना पड़ता नहीं ना? एक बार हमारे अब्बा हुजूर ने हमारी शायरी की तोहीन कर दी थी, आज तक हमने उनकी सूरत नहीं देखी। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, अरे सेठ जी, सुनो सुनो। अरे भाई गगनसु भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलती हो गई, मैं बोलना क्या चाह रहा था और मेरे मुंह से क्या निकल गया, सॉरी। देखो तुम्हारी जो शायरी है ना, वो तो हीरे जैसी है, और हीरे की परख तक जोहरी ही कर सकता है, और मैं जोहरी नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ। मैं क्या जानूं तुम्हारी शायरी का मोल? अरे तुम्हारी शायरी तो अनमोल है, अनमोल। ठीक है मीम, आप हमारी शायरी की तारीफ कर रहे इसलिए रुक रही हूँ, वरना फौरन निकल जाता मैं। नहीं नहीं नहीं, जोरदार शायरी करते तो। चलो 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 चलो, चलो, चलो। अंदर तो कुत्ता है। सिंह जी आप डरिए मत, हमारे पास घनसु भाई है, वो कुत्ते को ऐसी दो चार शायरी सुनाएंगे कि कुत्ता बेडरूम में ही रहेगा, बाहर आएगा ही नहीं। वामिया आपने तो कमाल कर दिया, हमारे साथ तो सच में ऐसा एक बार हुआ था। हाँ, एक बार हम हमारे दोस्त के घर गए, उसको शायरी सुनाने, वहाँ पे कुत्ता था, वो तंग कर रहा था। अब क्या है कि हमारे पास कुत्तों की शायरी अलग है और इंसानों की शायरी अलग। जब हमने कुत्ते को कुत्ते वाली शायरी सुनाई तो वो दुम दबा के अंदर भाग गया। आज भी जब उस घर में जाते हैं तो हमें देखते ही अंदर भाग जाता है। मित्रों, पानी का लीकेज और बीमारी दोनों में एक समानता होती है, दोनों का स्रोत मिल जाना चाहिए। अगर स्रोत मिल गया तो दोनों का इलाज किया जा सकता है, बीमारी का भी और लीकेज का भी। और यहाँ कहानी में भी एक नया ट्विस्ट आया है, जो प्लम्बर है घनसु घायल, इन्होंने लीकेज का स्रोत ऊपर वाले फ्लैट में बताया। जेठालाल की तो अपने धंधे में आस्था है, बिल्डिंग वालों से कभी नहीं पड़ा वास्ता है, और फ्लैट का मालिक केरल घूमने गया, अय्यर फ्लैट पे लगा ताला है, तो अब भगवान का इशारा है, उनके नाम की माला है। और ये जो अय्यर के पड़ोसी है थम्पी, इन्होंने परेशान जेठालाल को कर दिया और परेशान है, अटक गई जेठालाल की जान है। और ये जो पड़ोसी थम्पी है, इन्होंने बिल्डिंग के सेक्रेटरी को नंबर ही बताया है, यानी कि डरे हुए जेठालाल को और डराया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी, क्या जेठालाल जब उस नंबर ही सेक्रेटरी से मिलेंगे तो इसका इलाज हो पाएगा या जेठालाल और परेशानी में पड़ जाएगा। ये तो तब पता चलेगा जब आप लोग यहाँ पे देखने आएगा, मतलब कि जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तब आपको पता चलेगा कि आगे की कहानी में ये जो लीकेज है इसके क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। चाहे जितने ट्विस्ट आए आप हंसेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.